Brought to you by My 11 Circle. Play with champions. Download the app now. 9 साल से ज्यादा और घर से दूर, क्रिकेट में दिन रात एक करना, खाना खाने के लिए लेबर बनकर पैसे जुटाना और एक दिन रणजी फाइनल जीतना, है ना ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और आज हम आपके लिए लाए हैं कहानी कुमार कार्तिकेय की। कुमार कार्तिकेय जिन्होंने मध्य प्रदेश के साथ रणजी फाइनल जीता और अपनी टीम के अहम हिस्सा भी रहे। कुमार कार्तिकेय ने 15 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया ये कहते हुए कि एक दिन कुछ करके ही लौटूंगा। जब उन्हें अंडर 16 यूपी की टीम में जगह नहीं मिली तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। कुमार कार्तिकेय एमपी के नहीं बल्कि यूपी के रहने वाले हैं और वो कानपुर से हैं। जब उन्हें अंडर 16 यूपी में जगह नहीं मिली तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और निकल पड़े क्रिकेट के सफर में। कानपुर से निकलकर जब वो दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली आके उन्होंने जमकर मेहनत की और खाना खाने के लिए और अपने रहने के लिए टायर फैक्ट्री में तक लेबर की नौकरी की। नाइट शिफ्ट में वो वहां पर काम करते थे और दोपहर के टाइम पे क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। वहां पर उनकी मुलाकात उनके एक दोस्त से हुई जिन्होंने उन्हें संजय भारद्वाज से मिलाया। संजय भारद्वाज वही जो गौतम गंभीर और अमित मिश्रा जैसे दिग्गज क्रिकेटरों के कोच रहे हैं। जब संजय भारद्वाज से इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कुमार कार्तिकेय को नेट्स में गेंदबाजी करने के लिए कहा और जैसे ही कुमार कार्तिकेय ने पहली बॉल डाली संजय भारद्वाज को पता चल गया था कि एक बड़ा टैलेंटेड क्रिकेटर उन्हें मिल गया है। लेकिन कुमार कार्तिकेय ने जब संजय भारद्वाज को अपनी कहानी बताई कि वो पिछले एक साल में ठीक से प्रॉपर डाइट भी नहीं लिए हैं और रात में वो एक टायर फैक्ट्री में काम करते हैं और सुबह उन्हें जितना भी टाइम मिलता है वो अपना पूरा टाइम क्रिकेट प्रैक्टिस में लगाते हैं। यही नहीं, गाजियाबाद से लेकर अशोक विहार तक 32 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय करके कुमार कार्तिकेय सिर्फ क्रिकेट सेशन के लिए आते थे, क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए आते थे। जब ये बात संजय भारद्वाज को पता चली तो उन्हें बड़ा खराब भी लगा तो उन्होंने कहा कि आप क्रिकेट ग्राउंड में एक कुक के साथ रहिए ताकि आप प्रॉपर डाइट भी ले सकें और आपकी क्रिकेट प्रैक्टिस भी पूरी चलते रहे। जी तोड़ मेहनत के बाद भी कुमार कार्तिकेय को दिल्ली में जगह नहीं मिल पाई, दिल्ली की टीम में जगह नहीं मिल पाई। इससे वो काफी निराश तो हुए लेकिन संजय भारद्वाज ने भी हार नहीं मानी और वो उन्हें मध्य प्रदेश ले गए। शहडोल के क्रिकेट एसोसिएशन में के कुछ ऑफिशियल से संजय भारद्वाज ने जब कुमार कार्तिकेय को मिलाया तो वहां पर उन्हें जगह मिली और एक गेस्ट प्लेयर के तौर पर उन्हें एक टीम में जगह मिली। हर एसोसिएशन एक गेस्ट प्लेयर को खिला ही सकता है और ये जगह कुमार कार्तिकेय को मिल गई। उस सीजन कुमार कार्तिकेय ने एमपी से खेलते हुए रणजी मैच में 2 विकेट भी झटके। बस वो दिन है और उसके बाद आज का दिन है। कुमार कार्तिकेय ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और ना ही एमपी ने उनका साथ छोड़ा। इतना ही नहीं, इस सीजन मुंबई इंडियंस ने कुमार कार्तिकेय को 20 लाख रुपयों में भी खरीदा है और ये कुमार कार्तिकेय के लिए एक बड़ा अचीवमेंट भी है। लेकिन इसके बावजूद एक चीज और छूटी है और एक चीज और रह गई है। उनके माँ बाप अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं। 9 साल से ज्यादा हो गया कुमार कार्तिकेय घर नहीं गए हैं और अपने माँ बाप से नहीं मिले हैं क्योंकि उनका एक वादा था और उनका एक प्रॉमिस था कि क्रिकेट में जब वो अपना पूरा नाम बना लेंगे तभी वो घर लौटेंगे, तभी वो कानपुर वापस लौटेंगे। उनके फादर की पोस्टिंग तो झांसी में है यूपी पुलिस में, लेकिन उन्होंने भी ये कहा है कि कुमार कार्तिकेय की माँ उनका बेसब्री से इंतजार जरूर कर रही है कानपुर में और उम्मीद है कि अब वो रणजी फाइनल जीत के जब दिन बचेगा तो वापस अपने घर जाएंगे और अपने माता पिता से मिलेंगे। ऐसे और स्टोरीज के लिए डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक को। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी कुमार कार्तिकेय की। अगर अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें और इसी तरीके की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक को। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।